अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद कुरैशी और आज मैं आपके सामने आने का अहम मकसद। अगर समाज में कोई अच्छा काम करता है तो यकीनन शाहिद कुरैशी ही नहीं, हर कोई उसकी मदद करता है। अगर अच्छे काम के आड़ में अपना मफाद देख रहा है तो शाहिद कुरैशी सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल उसके खिलाफ रहे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमने भी देखा हैदराबाद यूथ करेज, सलमान और दूसरे बच्चे काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, हम भी यही सोच के हम भी उनको प्रमोट किए थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसा उनके स्कैम सामने आ रहे हैं तो हमें आवाम के नाम सामने लाना उनके स्कैम ज़रूरी है। जैसा कि एक चार दिन पहले हैदराबाद यूथ करेज के FB पोस्ट पर यास्मीन बेगम पेशेंट और उनके चार बच्चों के साथ एक वीडियो उन लोगों ने पोस्ट किया था, जिसे देखकर हिंदुस्तानी नहीं सारी दुनिया से लोगों के आंखों में आंसू आ गए और अपने अपने तौर पर लोग उनको मदद करने लगे। जैसा कि यास्मीन बेगम पेशेंट के नाम पर उनके एक रिश्तेदार असरा बेगम से नाम से SBI ईदी बाज़ार ब्रांच में इन लोगों ने एक अकाउंट ओपन किया। असरा बेगम जो नसीब नगर फूलबाग चंद्रायन गुट्टे की रहने वाली है, अकाउंट नंबर है मेरे पास, SBI ईदी बाज़ार ब्रांच है और इस अकाउंट में चार दिन में हमारे भाइयों ने सारी दुनिया से तकरीबन 45 लाख रुपए की इमदाद की है। मेरे पास अकाउंट का स्टेटमेंट भी है, प्रूफ भी है। और यास्मीन बेगम जो तुम्बी हॉस्पिटल में इलाज में थी, एक हॉस्पिटल में, वहाँ पर उसकी इलाज के लिए सिर्फ 70,000 रुपये जमा किए गए हैं, जबकि बिल ज़्यादा हुआ था, उससे ज़्यादा जमा नहीं किए गए। एक दो दिन के बाद बेचारी यास्मीन बेगम की मौत वाक़ हो गई, ये तो अल्लाह के हाथ में है, मौत और हयात हो गई। हम ये नहीं कहेंगे कि बिल नहीं भरने से मौत हुई, ऐसा नहीं है। सिर्फ 70,000 रुपये बिल भरी गई, जबकि 45 लाख रुपये इस अकाउंट में जमा हो चुके हैं। और यास्मीन बेगम की मौत वाक़ होने से पहले सलमान जो हैदराबाद करेज के करता धरता है, उनके पर्सनल अकाउंट में 15 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए। और एक साहब है अहमद मोहियुद्दीन राशिद, इनका भी अकाउंट नंबर SBI ब्रांच ईदी बाज़ार का है, उनके अकाउंट में 15 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए। क्यों किए गए, इसके बाद की जाकिर है, किस वजह से किए गए। जबकि पेशेंट के नाम पे पैसे आए तो पेशेंट के इलाज के लिए दवाखाने में जमा करनी चाहिए, 70,000 रुपये जमा किए गए सिर्फ, बाकी के पैसे गए कहाँ। 15 लाख इनके अकाउंट में, 15 लाख उनके अकाउंट में, 30 लाख रुपये ये लोग ट्रांसफ़र कर लिए। मेरे पास अकाउंट का स्टेटमेंट है, सलमान का अकाउंट अहमदनगर ब्रांच कैनरा बैंक अकाउंट नंबर, उसमें 15 लाख, मोहियुद्दीन राशिद के अकाउंट ईदी बाज़ार SBI ब्रांच, उसमें 15 लाख, टोटल डिपॉजिट 45 लाख से ज़्यादा हुए। नाज़रीन, मेरे कहने का मकसद है, जब पेशेंट के नाम पे पैसे मंगाए और रोते धोते जो वीडियो पोस्ट की थी, यकीनन वो वीडियो देखकर कई लोगों के आंखों में आंसू आ गए और कई लोग मदद कर दिए। अब इतना बड़ा ये अपने पर्सनल अकाउंटों में ट्रांसफ़र करने की वजह क्या है। रहमतुल्लाहि व बरकातहु, बहुत ही मैं समझता हूँ बहुत लोग एक बेताबी से इंतज़ार कर रहे होंगे मेरे रिप्लाई का, और बहुत लोग मेरे सामने तो बहुत अच्छे रहते और फ़ोन भी अच्छा करते, माशाल्लाह सलाम वालेकुम सलाम, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वही लोग पेशेंट्स के जो ज़िम्मेदार थे उन लोगों को कॉल कर कर डराने की कोशिश भी करते और हमारे ख़िलाफ़ भटकाने की कोशिश भी करते। तो ऐसे भी लोग हैं जो लोग आज HYC के हर वो कामों में इतनी जस्तजू रखे हैं। अगर तुम लोग की औलादों में, उनके फ्यूचर के बारे में, तुम्हारे घर के बारे में अगर तुम लोग सोचते तो तुम लोग आज ये आठने वाला न्यूज़ चैनल नहीं चलाते थे। आज देखते हैं हम हर गली में, हर गली में आप देखिए, हर कोई बंद रूम में बैठ के एक वीडियो बनाना अच्छा सीख लिए, पेट छोड़ के आधे बाला चले गए, पूरी ज़िंदगी गुजर गई, मगर अपनी ज़बान से हमेशा
टांग खींचने की आदत नहीं जाएगी। वो क्यों? पूरे खून में भरे हुई है फितरत, अपनी फितरत क्या है मालूम, भरे हुई है फितरत, अच्छा खून में भरे हुआ है, क्या भरे हुआ है, पूरी मक्कारी, झूठ, इतनी गलीस, मैं आप लोगों को मैं बता भी नहीं सकता, इतनी गंदी सोच के है, इतनी गंदी सोच के है। कभी HYC को कॉल करे, तुम लोग की हिम्मत हुई, कभी HYC को कॉल करो, कभी पूछो कि 15 लाख कांगे, पूछो कभी, पूछे नहीं पूछेंगे, क्या करेंगे मालूम, चोरों के जैसा पीछे 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 फिर के वहाँ पर जाके अकाउंट डिटेल्स निकाल के, तो तुम लोग क्या करेंगे मालूम, अब इसको कैसा पकड़ना है, कैसी साजिश रचना है, इसको कैसा बदनाम करना है, HYC को कैसा गिराना है, इनकी मकबूलियत को कैसा बदनाम करना है, तो तुम लोग इसमें लगे हुए हैं, करते रहो। खुदा की कसम, HYC ना कभी रुका था, ना कभी अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रही थी, अपने 4 बच्चियों को पाल पाल कर, अपनी जिम्मेदारी निभा कर, उसने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, एक बंद रूम में एक बेबस माँ तड़पते 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 4 बेटियों के सामने बेबसी के हालत में जब थी, तो कौन सा माँ का बेटा पहुँचा वहाँ पर, किसकी माँ जनी थी जाके वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए, कोई गया? नहीं गया। ऐसे गरीबा पैदा होते मरते, कई गरीबा पैदा होते मरते। तो ये एक ऐसा मसला है जो हैदराबाद के अंदर कई ऐसे घर है जहाँ पर आज भी कई माएँ और कई इनके वालिद परेशान हालत में हैं। किसी की औलाद परेशान है, किसी का बाप परेशान है, किसी की माँ परेशान है। तो इतने घर है, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो अभी मसला ये जो माँ जो ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रही थी, तो जब कोई नहीं गया, जब HYC जाके वहाँ के तकलीफ़ से जब आप लोगों को वाजे कराया, वहाँ के हालात से वाजे कराया, और मैं ख़ुद वो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सका, और उनके ख़ानदान की अगर आप लोग उनके अगर फैमिली की अगर कहानी सुनोगे तो आप लोग के रोंगटे खड़े आते। वैसी कहानी है जब जाके मैं ज़िम्मेदार बना। मैं कौन होता तो उनका ज़िम्मेदार बनने वाला? पहली चीज़ सोचे कभी आप लोग, मैं जब ज़िम्मेदारी उठाया तो तुम लोग का सवाल था, आप क्यों ज़िम्मेदारी उठा रहे, कौन है, क्या उनका कोई ज़िम्मेदार है या नहीं है, सवाल उठाए कभी उसके ऊपर? नहीं, वो नहीं उठाएंगे अपन। क्या उठाएंगे 15 लाख रुपये कैसा डाल लिया इन्हें, ये उठाएंगे। तो ये नहीं बोलेंगे सलमान 50 लाख से ज़्यादा दिलाया, ये तारीफ नहीं करेंगे, 15 लाख कैसा डाल लिया। तो सुनो रे तुम लोग जो आवाज़ उठा रहे ना, पेटा निकाल लेके बाला पूरे यहाँ से यहाँ तक चले गए, पूरी ज़िंदगी चले गई, और एक 4-5 साल हुए तो डोले के मोहताज है, लेके जाके गाड़ देना बाकी है। तो अभी भी तुम लोगों को अकल नहीं है, इतनी उम्र गुजर गई कि हैदराबाद में कैसे कैसे हालात हैं, कैसे कैसे तकलीफ़ा हैं, उनके लिए काम करेंगे, कुछ करेंगे, अपनी जवानी जो है ये चीज़ों में लगाएंगे, वो नहीं करेंगे, अपनी जवानी कहाँ लगाएंगे, अपना बुढ़ापा कहाँ लगाएंगे, जब अल्लाह करने का वक्त है तो टांग खींचने में लगाएंगे। ऐसे हालतों में जब हैदराबाद रह रहा तो ये गरीबों का क्या होने वाला है, यही होता, इन्हें मर जाता इन्हें भाग जाती। तो ये हालत हैदराबाद की है। 15 लाख ने रे 70 लाख हैदराबाद यू दिलाया, कितने? 70 लाख। उसके अंदर और 20 लाख मैं डाल के देता हूँ, 20 लाख मैं डाल के देता हूँ। तुम लोग पहले HYC से कॉल कर क्लेरिफाई करो, ये करो कि भाई 15 लाख आपने क्यों डाल लिया, क्या है आपके राइट्स, पूछे कभी? ये नहीं, 15 लाख रुपए की जो बात है ना, और एक एक जो 15 लाख की और एक एक जो बात है ना, ये लड़कियों के मुस्तकबिल के लिए फिक्स डिपॉजिट करने के लिए ये अमाउंट निकाला गया था, और जो रकम थी उसके अंदर मैं नहीं चाहता था कि इनके कोई भी खानदान है जो दूर दूर, जो 15-15 साल हो गया, जो 20-20 साल हो गया इनको छोड़कर, उनको मालूम हो। मैं नहीं चाहता था कि उनके ताया 12 साल के बाद कॉल करे, मैं नहीं चाहता था
मैं नहीं चाहता था कि इनका जो पीवट बाप है, जो इनकी माँ का जो जिम्मेदार है मौत का, मैं नहीं चाहता था कि उनके बाप को मालूम हो। मैं नहीं चाहता था, क्योंकि आज ये मालूम हुआ है तो ये मुनाफिकों की वजह से, ये मुनाफिक, ये कुत्ते की औलाद, ये सुअर की औलाद, इन लोगों ने ये ढिंढोरा पीटा। ये ढिंढोरा पीट कर ऐसे लोगों को ही बता दिया कि इतना रकम आया है, और ये रकम इनके आँखा लाल हो चुके हैं। इनके ताया 12 साल के बाद कॉल करते हैं बच्चियों को कि मैं बच्चियों को मैं अडॉप्ट करता हूँ। क्यों भाई, आज 50 लाख रुपया बोल के अडॉप्ट करते? मैं जो 15 लाख रुपये निकाला हूँ असरा बेगम के अंदर से, और 15 लाख और एक जो निकाला हूँ वो फिक्स डिपॉजिट करने के लिए, जो 4 बच्चियाँ हैं उनके नाम के ऊपर फिक्स डिपॉजिट करने के लिए। मैं नहीं चाहता था कि ये जो अमाउंट है ये किसी को मालूम हो। मैं नहीं चाहता था, मैं तारीफ अपनी खुद की कर सकता था, मैं कर सकता था कि मैं देखो मैं 3 दिन के अंदर इतने लाखों रुपए दिला दिया। मैं नहीं करना चाहता था, मगर ऐसे मुनाफिक, ऐसे कुत्ते की औलाद, सुअर की औलाद, ये लोग धब्बे हैं मुसलमानों के नाम पे, ये लोग धब्बे हैं, मजाक बना दिया जिंदगियों को और यतीम बच्चों की, जो जिंदगियों के साथ तुम लोग खेले हैं। कल के दिन अगर ये रकम को लेकर अगर यतीम बच्चों के साथ अगर कुछ होगा तो वो तुम लोग जिम्मेदार है। जो लोग उठाए हैं आवाज़ अमाउंट के, जो टोटल अमाउंट है अगर उसके ऊपर तुम लोग जो आवाज़ उठाए हैं वो तुम लोग जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मैं बच्चों को अच्छी मुस्तकबिल, उनकी अच्छी पढ़ाई, उनके अच्छा एजुकेट जो है, उनके अच्छे शादियाँ, उनका अच्छा घर, उनका अच्छी ज़िंदगी देने का जो मैं वादा करा, इतना रोया, इतनी तकलीफ़ हुई जब मैं उठाया तो 15 लाख रुपये डाल के, अरे 15 लाख नहीं 15 करोड़ रुपये खर्चा करता हूँ, 15 लाख नहीं 15 करोड़ रुपये खर्चा करता हूँ। और ऐसा सलमान ऐसे कई लाखों रुपये खर्चा कर दिया, कई लाखों रुपये खर्चा कर दिया, मगर तुम लोग आज 1 लाख रुपये अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चैलेंज कर रहा हूँ कोई एक दिन के अंदर 1 लाख रुपये जमा करके बताओ, गरीब की आवाज़ दूर दूर तक पहुँचाओ, कोई ऑर्गेनाइजेशन पहुँचाओ मेरे भाई पहुँचाओ। अगर तुम लोगों के अंदर उतनी ताकत है, अगर उतनी हिम्मत है तो गरीबों करके बताओ, बताओ HYC छोड़ देंगे काम, बताओ एक दिन के अंदर अगर तुम लोग 1 लाख रुपये अगर किसी से मंगा के बताओ, डोनेशन कराओ किसी से, मैं मान लूँगा। क्यों नहीं करेंगे? तुम लोग चोरा हैं, पूरे चोरा, जो आज जो आवाज़ उठा रहे ये पूरे चोरा हैं। और ये लोग जब मस्जिद टूटी कोई आवाज़ नहीं उठाया, बंद रूम में बैठ के आज HYC के ऊपर वीडियोज़ बना रहे। आज HYC इतना जो है इन लोगों को इतनी तकलीफ़ हो रही। अरे HYC हमेशा अच्छे दिल से, सच्चे दिल से काम करा,